नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि डीए को लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किया ऐलान, 50% मिलेगा महंगाई भत्ता। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, उससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँचते। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई का महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बम्बर इजाफा होने जा रहा है। कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42% से बढ़कर 50% हो जाएगा। जी हाँ, इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में हर महीने करीब 9000 रुपये का सीधा इजाफा होगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि सरकार आखिर कब डीए में इजाफा करने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारी के डीए में 4% का इजाफा किया है, जिसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया। यह इजाफा जनवरी 2023 से लागू हुआ। अब जुलाई 2023 में अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। उम्मीद है कि अगला महंगाई भत्ता भी 4% ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच में कर्मचारी के भत्ते में अच्छा इजाफा होना तय है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता आने वाले वक्त में सैलरी इंक्रीमेंट लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ते का नियम है कि सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा उसे शून्य कर दिया जाएगा, और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों के लिए मिल रहा है उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 50% डीए का 9000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 50% डीए होने पर उसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।